अस्सलाम वालेकुम बेबी, आपने यहाँ पे गुड़ियाँ उड़ाई हैं सुबह से? जी नहीं, नहीं उड़ाई। क्यों नहीं उड़ाई? पापा उड़ाने नहीं दे रहे। क्यों नहीं उड़ाने दे रहे? इसलिए कि हाथ कट, ये नहीं उड़ाने देती मुझे। अच्छा अच्छा, हैंड कट हो जाएगा इसलिए नहीं। तो ठीक है, अभी तो आप बहुत छोटी हो ना, तो आप सिर्फ एक हो के जोर से कहो बो काटा, बो काटा। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं माई चैनल 66 से हूँ। माशाल्लाह आपकी पतंग देखी है, ये आपने खुद बनाई है? ये हम दोस्तों ने इसको अरेंज किया है, पाकिस्तान से हम इसके सिर्फ तिनके लेके आए थे और उसके बाद इसका कागज़ और बाकी सैम्पलिंग यहाँ पे की है। ये कितने तावा है? ये 12 तावा गुड्डा है जी। आपने यहीं पे बनाया है? सब असेंबलिंग यहीं पे है और अभी हम इसको नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त ये बसंत का सबसे बड़ा पतंग है जिसको 12 तावा बोला जाता है और अभी ये इसको उड़ाएंगे भी और आप देखेंगे कि इसकी उड़ान कितनी तेज और कितनी हवा के मुताबिक है। दो हैं उनके पास बड़े बड़े जी। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं जश्न बहारा का एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ मेरे साथ कुछ दोस्त हैं जो फुल एंजॉय कर रहे हैं और डांस पार्टी भी चल रही है साथ साथ, ऐसे के सब लोग देख रहे हैं आप लोग पतंगबाजी का शौक, और भाई हमारे कुछ कोशिश में लगे हुए हैं अपनी पतंग को जोड़ने के लिए, इनसे बात भी करते हैं, उनको देखते हैं ये पतंग कैसे जोड़ रहे हैं। जी मैं क्या जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत, अल्लाह का शुक्र। हम चैनल 66 से आए हैं, तो भाई चैनल से आपको देख रहे हैं, माशाल्लाह पतंग और पूरी फैमिली के साथ एक पतंग को जोड़ने पे लगे हुए, तो थोड़ा सा हमें भी बताएंगे आज आप क्या फील कर रहे हैं और क्या हुआ? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, माशाल्लाह सब पाकिस्तानी भाई यहाँ पे आए हुए हैं और अच्छा शोर शराबा चल रहा है और हमें नई पतंगें मिल नहीं रही, इसलिए हम पुरानी को वापस टेप लगा के जोड़ के वापस उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चले जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे ये जुड़ जाए जल्दी और आप इसकी उड़ान भरें पूरी पूरी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।